आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं 3D एनिमेशन सीख रहा था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूं। पहले मैंने माया सीखने की कोशिश की थी लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था। फिर मैंने सुना कि सिनेमा 4D जो है वो काफ़ी आसान है कंपैरेटिवली, तो मैंने सिनेमा 4D सीखने की कोशिश की। लेकिन तकरीबन 6 महीने सिनेमा 4D सीखने के बाद मुझे उसके ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा कम्युनिटी नहीं मिल रही थी। तो देन आई स्विच टू ब्लेंडर और मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज था ओवरऑल द होल लाइक थ्रू आउट द होल प्रोसेस के लाइक मतलब मैं कौन से सॉफ्टवेयर सीखूँ, क्या करूँ, कौन से ट्यूटोरियल देखूँ, कौन से कोर्सेज देखूँ। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दिस इज़ फॉर माई यंगर सेल्फ। सही है, अगर आप उस स्टेज में, अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं, अगर आप अभी इस फील्ड में आ रहे हैं इस वक्त पे, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सा पास लेना चाहिए, कौन से आपको कोर्सेज लेने चाहिए, कौन से आपको सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। सारा मैं आपको गाइड कर दूंगा इसमें और विद इन होपफुली 3 to 5 months जो है अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी अ गुड 3D एनिमेटर एंड यू कैन बी अ फ्रीलांसर, यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है उनके डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, ठीक है? ये चीज़ कहना कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है सबसे बेहतर है, इसमें इससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, ये चीज़ गलत होगी, इसकी फैक्चुअली इनकरेक्ट होगी। तो मैं आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, उसके बाद फैसला आपका है कि आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे और आखिर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि लाइक मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप वो भी सीख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर वन सॉफ्टवेयर जो है जो सबसे आसान माना जाता है इंडस्ट्री में वो है सिनेमा 4D। सिनेमा 4D एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी वाइडली अडॉप्टेड है इंडस्ट्री में, अगर आप बड़े स्टूडियोज़ में काम करना चाहते हैं, अगर आप मतलब डिफरेंट एनिमेशन पर काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप मोशन ग्राफिक्स में जाना चाहते हैं तो सिनेमा 4D कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सही है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कॉन जो होता है वो ये होता है कि इसकी कम्युनिटी जो है, इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो इतने ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है, सी एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर ऑप्शंस। सही है, तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी महंगा है, आई थिंक इट्स लाइक पेड सॉफ्टवेयर, एक्जैक्टली मुझे प्राइस इसकी याद नहीं है, वो अलग बात है अगर आप क्रैक करते हैं या सारा कुछ, आई डोंट रियली सपोर्ट दैट, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से लेना चाहें तो यू नो इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। सही है, दूसरी चीज़, दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो आता है इसके बाद, वो है ब्लेंडर 3D। ब्लेंडर 3D इन माई ओपिनियन इज़, अब मैं पर्सनली लाइक लोग कहते हैं कि सिनेमा 4D इज़ ईजियर टू लर्न देन ब्लेंडर, लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना तो मुझे पर्सनली ब्लेंडर ज़्यादा आसान लगा था सीखने में। क्यों? उसकी वजह यह कि उसके ट्यूटोरियल्स जो है ना, उसके कोर्सेज जो हैं, उसकी कम्युनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। सही है, एज़ कम्पेयर टू सिनेमा 4D, एज़ कम्पेयर टू प्रीटी मच ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स, राइट? इतनी उसकी अच्छी कम्युनिटी कि अगर आपको कोई भी मसला आता है ना, किसी भी तरह का आपको मसला आता है, आप डिफरेंट फोरम्स पे जाएंगे, रेडिट पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जिसके पास वो सेम प्रॉब्लम आया होगा और उसने हल कर लिया होगा प्रॉब्लम को, राइट? तो उसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है बिकॉज इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट्स अ वाइडली यूज सॉफ्टवेयर। तो आपको इसकी उसको सीखने में ना, आई थिंक लाइक मेरे ख्याल में, मेरे जो अपने एक्सपीरियंस में लाइक मुझे सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई थी। अब ब्लेंडर की सबसे बड़ी जो डाउन साइड है वो ये है कि ब्लेंडर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ होते हैं, उनमें ब्लेंडर यूज़ नहीं होता। सही है, बिकॉज इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो वो बड़े स्टूडियोज़ प्रेफर नहीं करते ब्लेंडर को यूज़ करना, राइट? तो अगर आपको लेट्स से, अगर आपका काम है, अगर आपका गोल है लेट्स से अभी से कि आपने मार्वल में काम करना है या आपने डिज्नी में काम करना है, तो फिर आई वुड से ब्लेंडर सीखना वुड प्रॉबली नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपने फ्रीलांसर बनना है, अगर आपने पैसे कमाने हैं इससे, अगर आपने यू नो लाइक खुद से एनिमेशंस बनानी है, शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, अगर आपने वो सारा कुछ करना है, इवन मोशन ग्राफिक्स करनी है, VFX करना है, सारा कुछ आप ब्लेंडर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन, इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लेंडर सबसे ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप अभी सीख रहे हैं एनिमेशन, ब्लेंडर वुड बी द परफेक्ट, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल ऑफ देम। सी, और मैं खुद ब्लेंडर यूज़ भी करता हूँ, सिखाता भी हूँ, तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद दैट। सो मे बी आई एम अ लिटिल बायस्ड, लेकिन आई पर्सनली थिंक ब्लेंडर इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम आते हैं ज़्यादा थोड़े मुश्किल सॉफ्टवेयर्स पे। उन दोनों में मुश्किल सॉफ्टवेयर जो हैं उनमें दो मेन आते हैं मेरे जहन में, वो एक माया है और एक है हुडिनी। दीज सॉफ्टवेयर्स आर यूज इन द इंडस्ट्री, अगर आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना है, अगर आपने मूवीज़ पर काम करना है, तो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स फॉर यू। लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जनरली रिकमेंडेड ये होता है कि पहले थोड़ा आसान सॉफ्टवेयर जैसे सिनेमा 4D या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स को सीख के उसके बाद आप इन मुश्किल सॉफ्टवेयर्स पे जाएं, ताकि आपकी जो एनिमेशन की जो बेसिक्स हैं ना, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हुए हों पहले से, आपको थोड़ी बहुत आती हो एनिमेशन, ताकि आप फिर यू नो यू कैन लाइक ट्रांसफर ओवर टू दीज सॉफ्टवेयर्स। सही है, ये बात यहाँ पे हो गई, मुश्किल सॉफ्टवेयर्स कवर कर लिए, इजी सॉफ्टवेयर्स कवर कर लिए। उसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो सॉफ्टवेयर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा सॉफ्टवेयर है सीखने के लिए, एंड आई बिलीव कि वो सॉफ्टवेयर जो है फ्यूचर में पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने वाला है, वो है अनरियल इंजन 5। अब अनरियल इंजन 5 इज़ टेक्निकली ए गेम इंजन, वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें आप एनिमेशन कर तो सकते हो, लेकिन इट्स प्राइमरली मेड फॉर गेम्स। लेकिन अगर आप अभी की इंडस्ट्री को देखें ना, अगर आप अभी जो डिफरेंट VFX यूज़ हो रहा है मूवीज़ वगैरह में, TV शोज़ में, अगर आप देखें
तो काफ़ी हद तक जो अनरियल इंजन है ना वो इस इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू कर रहा है, और काफ़ी स्टूडियोज़ प्रेफर करते हैं अनरियल इंजन को ओवर ट्रेडिशनल 3D सॉफ्टवेयर्स। उसका रीज़न जो है ना, उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। नॉर्मल अगर आप नॉर्मल 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई रेंडर बनाते हैं ना, आपको एक फ्रेम रेंडर करने में, डिपेंडिंग ऑन कि कितना कॉम्प्लेक्स फ्रेम है, आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, मतलब एक फ्रेम को रेंडर करने में, राइट? आई मीन कम भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर आपकी एडवांस चीज़ें हैं तो इतना टाइम लग सकता है। अनरियल इंजन ऑन द अदर हैंड वो वाला फ्रेम रेंडर करेगा रियल टाइम में विद ऑलमोस्ट द सेम लेवल ऑफ रियलिज्म। कैन यू इमेजिन दैट? एक सॉफ्टवेयर 10 मिनट ले रहा है फ्रेम को रेंडर करने में, दूसरा सॉफ्टवेयर अनरियल इंजन उसको लिटरली 1 सेकंड के अंदर रेंडर कर रहा है। सही है? तो लाइक द स्पीड डिफरेंस इज जस्ट क्रेजी, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ कंपनीज आर प्रेफरिंग टू गो विद अनरियल इंजन नाउ इट इज। और आई थिंक अनरियल इंजन मेरे ख्याल में इट इज़ द फ्यूचर ऑफ एनिमेशन। तो अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे कि आपका गोल क्या होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने सीखना है, आई वुड डेफिनेटली से अनरियल इंजन। लेकिन अनरियल इंजन का मसला यह है कि अनरियल इंजन को यूज़ करने के लिए आपको कोई और, जो मैंने पहले 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स मेंशन किए उनमें से आपको कोई ना कोई एक आना चाहिए, उसके बाद आप अनरियल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अनरियल में आप डायरेक्टली मॉडलिंग नहीं कर सकते, आई मीन कर सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है, कोई करता नहीं है। और प्लस मैं आपको लाइक यू नो डिफरेंट चीज़ों के लिए, लाइक मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपको डिफरेंट चीज़ों के लिए ना ब्लेंडर की या सिनेमा 4D या माया वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो मैं डेफिनेटली ये रेकमेंड करूँगा कि आप पहले कोई और सॉफ्टवेयर सीखें, सही है, 3D एनिमेशन का, उसके बाद आप अनरियल इंजन में आएँ। सो इन दी एंड मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आपको पता है कि आपको शुरू से पता है कि आपने मोशन ग्राफिक्स ही करनी है, राइट, तो गो विद सिनेमा 4D। अगर आपको पता है कि आप किसने किसी बड़े एनिमेशन स्टूडियो में काम करना है तो डेफिनेटली गो विद माया और हुडिनी, सही है। लेकिन अगर आपको नहीं, यू आर नॉट श्योर राइट नाउ कि आपने आगे करना क्या, आपने कैरेक्टर डिज़ाइन में जाना है, आपने मोशन ग्राफिक्स करनी है, आपने VFX करना है, आपको पता नहीं, आप सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा थोड़ा और आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू लर्न ब्लेंडर पहले। जब आपने ब्लेंडर तकरीबन 2-3 महीने आपने तीन महीने तकरीबन आपने ब्लेंडर पे लगाए, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए उसके साथ, देन मूव ऑन टू अनरियल इंजन। अनरियल इंजन भी सीखें और फिर अनरियल इंजन और ब्लेंडर को दोनों साथ साथ यूज़ करना सीखें, और उससे ये होगा कि आपको ना बेसिकली बहुत अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि लाइक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप करते क्या हो, राइट? तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि लेट्स से आपने ब्रेक इन करना है बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, राइट, बड़ी लाइक लेट्स से किसी स्टूडियो में ब्रेक इन करना है आपने, तो उसके बाद यू कैन मे बी लाइक पिवट टू हुडिनी या माया या कुछ भी। लेकिन मेरे ख्याल में एज बिगिनर यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ विद ब्लेंडर पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, और उसके बाद अनरियल इंजन, सही है। अभी जो रिकमेंडेशन है मेरी, आई जेन्यूनली मीन दिस रिकमेंडेशन। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद कोर्सेज बेचता हूँ इसके, अगर आप मेरे कोर्सेज लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन इवन अगर आप मेरे कोर्सेज ना भी लेना, इट्स माई जेन्यून एडवाइस टू लाइक यू नो माई पीपल, लाइक यू गाइज आर लाइक यू नो आई वॉन्ट यू गाइज टू सक्सीड, राइट? सो ऑब्वियसली मेरी जो रिकमेंडेशन है ना एज अ 3D आर्टिस्ट माई सेल्फ, आप लोगों के लिए यही होगी कि आप लोग जो है ब्लेंडर और अनरियल इंजन सीखें, राइट? भैया आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस। आई गेस मैंने सारे जो मेन पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं। अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं और अगर आप ब्लेंडर का वही जो 3 महीने वाला मैंने बात बोली, अगर आप 3 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं YouTube पे ऑफर करता हूँ फ्री में, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दैट एंड देन यू कैन मूव ऑन टू पेड कोर्सेज एज वेल। अनरियल इंजन का भी फ्री कोर्स पढ़ा हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, उसका ब्लेंडर का भी पढ़ा हुआ है, तो आप दोनों चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोर्स ना भी लें, आप किसी और का भी कोर्स लें, यू कैन लाइक ऑब्वियसली यू विल स्टिल लर्न, लेकिन इट्स जस्ट दैट उर्दू में या हिंदी में ज़्यादा कोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इन लैंग्वेजेस में सीखना चाहते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेजेस में सीखना चाहते हैं, तो यू कैन लाइक चेक आउट माय कोर्सेज। लेकिन या आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। आई रियली होप आप लोग जो हैं जो भी सॉफ्टवेयर चूज़ करें उसके साथ कंसिस्टेंट रहें, राइट, उसके साथ उसको लाइक सीखते रहें कंसिस्टेंटली, बिकॉज दैट आई थिंक इज़ द मेन थिंग दैट यू शुड बी कंसर्न अबाउट। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है वो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन मैटर ज़्यादा ये चीज़ करती है कि आप उसे कंसिस्टेंटली सीखें और आप उसमें प्रोग्रेस करें, लाइक यू नो यू शुड लाइक ऑब्वियसली बी एबल टू मेक प्रोग्रेस इन दैट, राइट? सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा उस वीडियो से, आई रियली होप आप लोगों को मज़ा भी आया देखने में। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि मैंने मिस किया है और मुझे बोलना चाहिए था, तो यू कैन लीव दैट इन द कॉमेंट्स बिलो, आई विल ट्राई टू रीड ऑल द कॉमेंट्स। मैं रिप्लाई भी करूँगा काफ़ी को जितना को मैं कर सकता हूँ। लेकिन या दैट्स फॉर दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।